अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सबके साथ? मैं हूं नताशा वकास, और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई चैनल इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी टिप्स एंड ट्रिक्स। सो आज की जो वीडियो है वो एक रिव्यू एंड डेमो वीडियो है। एक्चुअली मुझे 2 मंथ पहले ना एक पैकेज आया था फ्रॉम मेक। ये है वो ब्रशेस, इस बैग के अंदर थे वो ब्रशेस, और 15 ब्रशेस जो हैं ये सिंथेटिक हैं, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए हैं, 2 महीने हो गया मुझे इनको मेरे पास आए हुए, और ये मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं। देखें आप इनकी हालत नज़र। जो ये 8 ब्रशेस हैं ये हैं आइज़ के लिए, और जो ये 7 ब्रशेस हैं ये हैं फेस के लिए। इसके अंदर पाउडर ब्रश, हाइलाइटर, फिन ब्रश, और ये कर्व एरिया के लिए यूज़ होता है ब्रश इन जगहों के लिए, और ये है फेस पेंट ब्रश मतलब फाउंडेशन वगैरह के लिए, स्टेपलिंग ब्रश के तौर पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और एक ये है डिफाइन ब्रश, कंसीलर ब्रश, हर ब्रश के ऊपर इसका नाम लिखा हुआ है, फॉर चीक्स कंटोरिंग, और बाकी ये सब आईज़ के ब्रशेज हैं। इसके अंदर भी क्रीज के लिए ब्रश अलहदा दिया हुआ है, लोअर लैश लाइन के लिए अलहदा है, अपर लैश लाइन के लिए अलहदा है, विंग लाइनर के लिए ब्रश है, और बफिंग के लिए ब्रश है, ब्लेंडिंग के लिए ब्रश है। इस तरह से इनके ब्रशेज के ये सेट हैं। तो और ये ओरिजिनल ज़ोएवा के ब्रशेज नहीं हैं, ये मास्टर कॉपी है। इसकी प्राइस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी कि इनकी प्राइस क्या है, और जो मुझे इनको और जो मुझे उन्होंने ना डिस्काउंट कोड दिया है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको यूज़ करने के बाद आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा इन ब्रशेज़ के ऊपर। सो विदाउट फर्दर डू मैं आपको इन ब्रशेज़ का यूज़ भी बता देती हूँ, आईज़ पे भी और फेस पे भी इनसे मेकअप करके दिखा देती हूँ। तो बाकी आप लोग खुद देख लीजिएगा कि आपको कैसे लग रहे हैं ये, और इनसे आपको मेकअप किस तरीके का लग रहा है, कि सेटल है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा। एक और बात, इसका जो बैग है या पाउच है वो बहुत क्यूट है, इसके अंदर भी एक जिप है, ये इसके अंदर इन्होंने मुझे लिपस्टिक भेजी थी 2 मेक की, वो भी मैं आपको इनके स्वाचेस चेक करवा दूंगी लिप्स पे अप्लाई करके। तो ये बहुत क्यूट है इनका, इसका जो पैकेजिंग है ना, इससे ब्रश भी जो है वो यहाँ वहाँ घूमते नहीं है, एक बैग के अंदर रहते हैं। फेस को मैंने अच्छे से प्रेप कर लिया है, और मैं ये ऑरेंज स्टिक्स है जो मुझे डबल टोन स्किन हुई हुई है और डिस्कलरेशन हुई हुई है, उसको कवर करने के बाद मैं इन ब्रशेज की मदद से बेस बनाऊँगी अपने फेस पे। ऑरेंज स्टिक को अच्छे से फेस पे ब्लेंड करने के बाद जहाँ जहाँ पे मुझे डिस्कलरेशन थी, हमें क्रिस्टीन की डर्मा एक्स है, उसका नंबर है एवरी, ये मैं यूज़ करने लगी हूँ फेस पे एज अ प्राइमरी बेस, और ये 3x बेस है इसकी, या डर्मा एक्स बेस भी इसको बोल सकते हैं, मतलब कि आम बेस से ना ये 3 गुना अच्छी कवरेज देती है। और मैंने ज़ोएवा का ब्रश से फॉर फेस पेंट इसको मैंने लाइट सा गीला कर लिया है हल्का सा, जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो गई है ऑल ओवर। तो जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो आप ऑप्शनल है कि आप कंटूरिंग कर लें या आप बेकिंग कर लें, तो मैं कंटूरिंग करूँगी, उसके बाद कंटूरिंग और ब्लश आन के बाद मैं बेकिंग करूँगी। और बिफोर कंटूरिंग पहले मैं अपने फेस को कंसील कर लूँ, और कंसील के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ईदन मिनरल का कंसीलर है, उसका शेड है मीडियम, तो ये मैं कंसीलर के लिए यूज़ कर रही हूँ। इसकी प्राइस और इसका डिस्काउंट कोड और इसकी ये आपको कहाँ से मिल जाएगा ये सब भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। इसका शेड है मीडियम। ये कंसीलर ब्रश है ज़ोएवा का, ये मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर के लिए।
फिलर हो गया है और अब मैं करने लगी हूँ कंटोरिंग. कंटोरिंग के लिए स्लांट ब्रश है, मैं ये यूज़ करने लगी हूँ. After that मैं ब्लश अप्लाई करने लगी हूँ अभी इसी सेम ब्रश से. ब्लश के बाद नेक्स्ट स्टेप है बेकिंग का. बेकिंग के लिए लूज पाउडर लगाने लगी हूँ मैं बेकिंग के लिए. उससे ये है कि जो फेस बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है तो ये शाइन को कंट्रोल कर लेगा. ये ल्यूक्स स्मोकी शेडर है, इसकी मदद से मैं पहले आईज पर स्मोकी शेड अप्लाई करूँगी. स्मोकी शेड अप्लाई करने के बाद मैं फ्लफी ब्रश की मदद से इसको क्रीज पे ब्लेंड करूँगी अच्छे से और साथ में मैं ये लाइट शेड इस्तेमाल कर रही हूँ इसको ब्लेंड करने के लिए. Thank you.
So here is my overall look with this beautiful dress. और ये जो dress है वो मुझे भेजा है अनास क्लॉथ फैक्ट्री से, अनास फैशन फैक्ट्री ने. और इसकी प्राइस है 3000 rupees. पर अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे विच इज़ NBS 10%, तो आपको ये ड्रेस मिलेगा 2850 में. इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है. आई विश कि मैं ये आपको पूरा दिखा पाती, क्योंकि अभी मेरे पास कोई अवेलेबल नहीं है जो फुल ड्रेस की आपको शूट करके दिखा सके. पर जो मेरे पास पिक्चर्स हैं ना जो मैंने इस ड्रेस में खींची थी, क्योंकि मैंने ये अपने ईद पे पहना था, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी. हाँ, लगा दूँगी मैं, तो आप देख लेना उसके अंदर. इसका जो दुपट्टा है ये बहुत ही खूबसूरत है, और पूरा ड्रेस भी बहुत खूबसूरत है. इसके बॉर्डर पे इस तरह से वर्क हुआ हुआ है सारा. तो इसका पैनल भी इतना प्यारा था, और कपड़े की विड्थ, लेंथ, और ट्राउज एयरलाइन शर्ट बनवाई थी लूज़, ऊपर से फिटिंग में रखवाई थी, और पेट और कमर के पास से लूज़ रखवाई थी, और साथ में बनाया घेर वाला प्लाजो. तो मैं ना इसमें फुल ड्रेस में कोशिश करूँगी पिक्चर्स बना के ना अपलोड इसके साथ कहीं अटैच कर दूँ वीडियो में. तो आई होप कि आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई हो. अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक तो लाजमी कीजिएगा अच्छी लगी, क्योंकि जब आप वीडियो लाइक करते हैं ना तो उसी से पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है या नहीं लगी. और इस वीडियो में अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट कर दीजिएगा. उसके अलावा और भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उस पर रिप्लाई कर दूँगी. और ये ड्रेस जो है ये इतना बड़ा इनका पेज नहीं है, इन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, लेकिन इनके पास जो क्लोथ की वैरायटी है वो बहुत ही अच्छी है. मैंने इनसे और भी ड्रेसेस मंगवाए हैं, तो मैं उनकी भी पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वीडियोस शेयर करूँगी उन लोगों के आपके साथ. अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो किया हुआ है तो मैंने इस ड्रेस की अन स्टिच की पिक्चर शेयर की थी इंस्टाग्राम की स्टोरी पर भी, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, और यूट्यूब के कम्युनिटी पेज पर भी मैंने इसकी पिक्चर शेयर की थी अन स्टिच की. तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं अन स्टिच, लेकिन मैं इसमें भी पोस्ट कर दूँगी. और आज की मेकअप लुक आपको कैसी लगी, और ये ब्रशेस का रिव्यू आपको कैसा लगा? मैंने आपको यूज़ करके दिखा दिया, वैसे मैंने यूज़ किया है तो ट्रस्ट मी वाकई ही अच्छे हैं, तभी मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ ना. इसके अलावा इतना ज़्यादा सामान आता है जो कि मैं यूज़ करके अगर मुझे ना समझ आए तो मैं उस पर रिव्यू नहीं करती, तो बेशक वो लोग मेरे से नाराज़ हों या दोबारा मुझे प्रोडक्ट ना भेजें. जो मुझे चीज़ें पसंद आती हैं सिर्फ मैं उन्हीं पर रिव्यू करती हूँ. तो ये मुझे पसंद आया था तो मैंने इस पर रिव्यू किया था, ये ड्रेस मुझे पसंद आया था तो मैंने रिव्यू किया. उसके अलावा भी और भी पेजेस की तरफ से ड्रेसेस आए थे जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, वो मैंने रिव्यू नहीं किए. और इदुन मिनरल जो है वो Trendify.pk ने इंट्रोड्यूस करवाया है पाकिस्तान में. ये स्वीडन ब्रांड है और इसके प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं. इस पर भी मैं फुल डिटेल में वीडियो बनाऊंगी. इसके प्रोडक्ट्स भी आया है, 1 month हो चुके हैं, पर अनफॉर्चुनेटली अरमिश के बीमार होने की वजह से ना मैं इन पर वीडियोज़ नहीं बना सकी, लेकिन अब मैं स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ों के ऊपर वीडियोज़ बनाऊँगी. तो स्टे ट्यून्ड, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें वेरी वेल, और अगर आपने नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं की तो नोटिफिकेशन बेल ऑन करें. उससे ये होगा कि जब भी मैं वीडियोस लगाऊंगी तो आपको अपडेट मिल जाएगी, और मैं लाइव सेशन करती हूँ तो उसके बारे में भी आपको अपडेट मिल जाएगी, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि नताशा वकास इज लाइव या नताशा ब्यूटी सैलून इज लाइव नाउ. तो तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.